यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो जिसको उसके चाहने वाले भगवान मानते हैं, लेकिन उस इंसान को सारी उम्र जेल में काटनी पड़ेगी। आसाराम जिसके नाम को सब जानते हैं और सब ये भी जानते हैं कि आसाराम पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। चलिए आपको सुनाते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। बुधवार को जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ के दो और आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई। 77 साल के आसाराम की बाकी जिंदगी अब सलाखों के पीछे कटेगी। जज ने जैसे ही सजा का ऐलान किया, आसाराम रोने लगा। वो निढाल हो गया, चेहरा उतर गया। इससे पहले जब जज ने उसे दोषी करार दिया था तो वो हंसा और राम नाम जपने लगा था। पीड़िता के पिता का कहना है कि आज मुझे इंसाफ मिला है। सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं जो मेरे साथ अंत तक इस लड़ाई में खड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मीडिया को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपने नगर वासियों ने जिन्होंने मेरा अंत तक साथ दिया, मैं सबका शुक्रगुजार हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन महिला संगठन जिन बहनों ने मेरा साथ दिया, इस लड़ाई में अंत तक मेरा साथ दिया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद है, फैसला आ गया हमारे पक्ष में, सुना है कोर्ट ने। जिसकी उम्मीद किए थे वो न्याय मिला आपको? मुझे न्याय कोर्ट ने दिया, अभी फैसला आया हमारे पक्ष में हुआ है, उसे दोषी करार दिया है। केंद्र सरकार के अलर्ट के बाद रोहतक में भी आसाराम के आश्रम पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुबह से ही पुलिस तैनात थी। आसाराम के समर्थक दंगा ना फैलाएं, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आश्रम के बाहर पुलिस तैनात और आश्रम के अंदर आसाराम के समर्थक आसाराम के लिए दुआ कर रहे थे। आसाराम एक नाबालिग के रेप का आरोपी है। अब सलाखों के पीछे ही उसकी पूरी जिंदगी गुजरेगी। उसे मासूम से बलात्कार के जुर्म में उम्र कैद की सजा मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।